हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज एक और वीडियो लेके आया हूं और वैसे तो बहुत खुशी है हमें क्योंकि एक ऑलरेडी वीडियो हमारा 1 मिलियन को क्रॉस कर चुका था। ये वाला जो वीडियो है बातचीत सुने इस छोटे से डिवाइस से, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल था इसका। और दूसरा वीडियो अगेन बैक टू बैक वो भी 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। आज हम बात करने वाले हैं उसी वीडियो के ऊपर जो हमारा 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, इसका भी टाइटल बहुत अलग था कि आप किसी के भी फोन की सारी डिटेल्स आप आपके फोन के ऊपर या फिर कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल वीडियो था और काफी सारे लोग इस टाइप की एक्टिविटी करना चाहते हैं। और मैंने इसमें क्लियर बताया था कि दिस वीडियो इज फॉर द ओनली एजुकेशनल पर्पस, कि जहां पर आप ऐसी एक परिस्थिति में फंस गए हैं जहां पर आपको खुद को निर्दोष साबित करना है, ऐसा कुछ करना है, या तो इधर कुआ है इधर खाई है ऐसी कोई सिचुएशन में फंस गए हैं, तभी आप इन सब चीजों का यूज करें। और बेहतर हो कि जितना ना करो उतना ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हमारी ज़िंदगी के अंदर पल आ जाते हैं जहां पर हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं इस वीडियो के ऊपर, काफ़ी सारे लोगों ने अपने नंबर, पर्सनल नंबर शेयर किए हैं कमेंट्स के अंदर। कई जो फॉरेन वाले जो लोग हैं, जो हैकर होते हैं, जो चीटर्स होते हैं, उन्होंने उस कमेंट के अंदर अपने कमेंट डाले हैं, अपने इंस्टाग्राम के हैंडल्स डाल रहे हैं, अपने लिंक डाल रहे हैं। तो मुझे रोज के करीबन 50 कमेंट तो मैन्युअली बैठ के रिमूव करने पड़ते हैं। सो मैंने उन कमेंट को रिमूव किया है और आपसे सब लोगों से गुजारिश है कि उस वीडियो के ऊपर अपने पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। आपको कोई और चीज पूछनी है तो आप मुझसे पूछिए, लेकिन पर्सनल डिटेल शेयर मत करिए। फिर भी उन सब कमेंट को पढ़ते हुए मैंने अपने पास में आज 5 सवाल कलेक्ट किए हैं, जिसके अंदर आप सब लोगों ने पूछा है मुझसे कि सबसे पहला सवाल कि मैंने उस वीडियो में कमिटमेंट किया था आप लोगों से कि मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो कोई भी एक एप्लीकेशन का मैं बनाऊंगा, सो वो क्यों नहीं आया, पहला सवाल आपका। दूसरा जो सवाल है उसके बारे में जवाब दूंगा आगे। दूसरा सवाल आपने पूछा, क्या ये स्पाई जो एप्लीकेशन मैंने बताई है क्या वो सेफ है, सो उसके भी जवाब मिलेंगे आपको। तीसरा सवाल मैंने लिया है, यहां पर लोगों ने पूछा है कोई ऐसी ऐप बताइए जो बिल्कुल फ्री हो, मतलब जहां पर आपको कोई पैसा ना देना पड़े और आपके काम इस तरह के हो जाए। चौथा सवाल आप लोगों ने पूछा है मुझसे कि ऐसी कोई ऐप बताइए जिसमें हमें किसी का भी फोन लिए ही नहीं, मतलब हमें सिर्फ उसका सामने वाले का नंबर पता है और हम आपको नंबर दे दें, या फिर हम लोग वहाँ पे उस वेबसाइट पे जाके उस एप्लीकेशन नंबर डाल दें और उसकी पूरी डिटेल, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे उसकी कॉल डिटेल हो, चाहे कॉल लॉग हो, सभी चीज़ें आ जाएं। और जो पांचवा सवाल काफ़ी जेन्युइन सवाल है कि हम कैसे पता करें कि किसी ने हमारे मोबाइल के अंदर ऐसी कोई एप्लीकेशन डाल दी है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, जो है कि मैंने इस वीडियो के बाद में अपने ट्यूटोरियल वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो जब मैंने ये वीडियो बनाया और इसके बाद में मुझे पता चला कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जहां पर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी या फिर ऐसा वीडियो नहीं बना सकते हैं जो इलीगल हो, मतलब जिसके अंदर आप हैकिंग सिखा रहे हैं या फिर ऐसी कोई पर्सनल डेटा को के साथ में मैनिपुलेट करना ऐसा कुछ सिखा रहे हैं, वरना उस वजह से हमारे चैनल को अफेक्ट कर सकता है। ये कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई कि जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली सिखाऊं। जो मेरा पहला वीडियो था वहां तक ठीक था, वहां पर जैसे जैसे मैंने उसको एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया। तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब। जो आपने दूसरा सवाल मुझसे पूछा है वो है कि क्या ये स्पाई जो एप्लीकेशन है वो सेफ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी सेफ्टी के बारे में, तो यहां पर मैं सब लोगों को एक ही चीज बोलता हूं कि ये जो ऑप्शन है वो आपके पास में एकदम लास्ट में होना चाहिए, मतलब आप करो या मरो की सिचुएशन पे है या फिर इधर कुआ इधर खाई वाली सिचुएशन में है, ये एकदम लास्ट ऑप्शन है। सेफ्टी की बात बिल्कुल भी नहीं है यहां पर, ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहां पर हो सकता है आपके डेटा के साथ में कुछ भी मैनिपुलेट हो, कोई भी, क्योंकि आप यहां पर क्या कर रहे हैं कि ऐसे एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो एप्लीकेशन उनके जो जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं उसके पूरे डेटा, उसके पूरे वीडियो, इमेज, कैमरा, सब चीजें आप कोई और सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं, और वो जो सर्वर है वो सभी फॉरेन में है, वो कोई ऑथेंटिक सर्वर नहीं है जैसे कि फेसबुक का है या फिर व्हाट्सएप का है, ऐसे कोई सर्वर नहीं है, वो सब किसी के पर्सनल सर्वर्स हैं। तो वहां पर उन डेटा के साथ में वो क्या करते होंगे वो किसी को नहीं पता, ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी और को पता, इवन गवर्नमेंट को भी नहीं पता। इसलिए गवर्नमेंट ने इस सब वेबसाइट्स के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लाते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी जिंदगी भी ऐसे पचेड़ों में फंसी हुई है कि जहां पर हमें ना चाहते हुए भी ऐसी सब चीजें करनी पड़ती है। तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है,
आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि वो थोड़ी बहुत भी सेफ होगी, मैं इसके बारे में कोई भी आप लोगों को गलत राय नहीं देना चाहूंगा, यहां पर सेफ नहीं होगा 99.99%। अब वो कितने इथिकल हैं या नहीं है वो हमें नहीं पता। जो तीसरा सवाल है उसके अंदर सभी लोग पूछते हैं कि सर ऐसी कोई एप्लीकेशन बताइए, इन सब में तो पेमेंट पे करना पड़ता है, तो फ्री वाली चाहिए। तो फ्री वाली में कुछ ऐसा था कि स्पाई ह्यूमन जो एप्लीकेशन है वो 7 डेज के ट्रायल पे चल रही है। अगर आपको 7 दिनों का ही काम है तो उसका ट्रायल जो है वो आप उसको यूज कर लो, और ट्रायल में अगर आपका काम हो जाता है तो ठीक है, अगर ट्रायल नहीं होता है तो फिर उसके अंदर $10 के आसपास का कुछ चार्जेस है। अब फ्री में आप खुद सोचो कि कोई बंदा आपके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा, अगर वो फ्री में बनाएगा तो वो खुद क्या करेगा, उसको भी तो कुछ चाहिए ना। तो इसमें क्या दो तरीके होते हैं, या तो आप जेन्युइनली कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनाओ, मैं इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं सभी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाओ, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो ठीक है, जिसके अंदर आप कोई चार्जेस लेते हो और आप सर्विसेज देते हो। अब एक बंदा ऐसा है कि जो एप्लीकेशन बनाता है वो फ्री है, अब वो फ्री है तो कुछ तो ले रहा है, डायरेक्टली नहीं ले रहा है लेकिन इनडायरेक्टली तो कुछ ना कुछ कर रहा है, हो सकता है वो लीगल हो सकता है वो इलीगल हो। लीगल में तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि उसको डायरेक्टली ऐसी कोई एप्लीकेशन बना के उसको लीगली कुछ मिलेगा, क्योंकि वो अगर छोटे टाइप का एक नॉर्मल बंदा है जिसने एक एप्लीकेशन बनाई है, छोटी सी एक कंपनी है, तो उसको लीगली क्या मिलेगा, तो वो जरूर इलीगल कुछ करेगा। वैसे ऐसी की सब एप्लीकेशन के अंदर इलीगल बहुत सारे हैं जो कि आपके डेटा के साथ में पता नहीं क्या करेंगे और आपके फ़ोन में क्या क्या डाल देंगे और क्या क्या आपके फ़ोन को हो जाएगा आपके डेटा के साथ में, आपके OTP आपने सुना ही होगा, साइबर क्राइम काफ़ी सारे हो रहे हैं। वो सब क्यों हो रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आप वो फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो और वो फ्री के चक्कर में सब कुछ आपका चला जाता है, आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सब आप उसके साथ में शेयर कर देते हो, आपके पैन कार्ड डिटेल, आपके OTP सब चीज़ें। तो इस फ्री के चक्कर में ना पड़े, ऑथेंटिसिटी तभी मिलती है कहीं ना कहीं, हाँ वो सामने वाला हमसे चार्जेस ले रहा है मतलब उसके खर्चे निकल रहे हैं वो कमा रहा है तो उसका गलत जगह पर डायरेक्शन नहीं जाएगा, मतलब गलत व्यू उसका होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं यहाँ पर। चौथा जो सवाल है वो भी बहुत अलग टाइप का सवाल है कि वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन बताओ जिसके अंदर उनके पास में सिर्फ मोबाइल नंबर है या फिर कुछ है, और या फिर वो पर्सन का नाम है और वो मोबाइल नंबर डालें और सामने वाले की सभी डिटेल्स उसको पता चल जाए। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर किसी की प्राइवेसी की ज़रूरत ही क्या है, मतलब यहाँ पे तो किसी की कोई प्राइवेसी रही नहीं। मतलब आज अगर मुझे आपका नंबर पता है तो मैं आपकी पूरी डिटेल, क्योंकि फ़ोन में मोस्ट ऑफली इंसान की सभी चीज़ें होती हैं, वो कैसा है, वो अच्छा है बुरा है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके बिजनेस के बारे में, उसके बैंक बैलेंस के बारे में, उसके टेंडर्स के बारे में, वो किससे बिजनेस करने वाला है, उसकी क्या डील होने वाली है, उसके कैसे रिलेशंस हैं, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, सभी चीज़ें तो फ़ोन में पता चल जाती हैं, तो किसी की प्राइवेसी रही कहाँ यहाँ पर, किसी की प्राइवेसी नहीं रही। तो फिर आप कल को नरेंद्र मोदी जी का नंबर आपको मिल जाए या फिर कोई ऐसे होद्देदार व्यक्ति मतलब मुकेश अंबानी जी का नंबर मिल जाए आपको, तो फिर आप तो उनकी पूरी की पूरी डिटेल निकलवा लोगे सिर्फ मोबाइल नंबर से, इज इट पॉसिबल? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप इस तरह से कुछ कर पाएं। हाँ, कुछ ऑथोराइज एजेंसीज होती हैं, जैसे कि हमारी रो एजेंसी हो गई, यानी CBI हो गई हमारी, उन लोगों के पास में कुछ राइट्स होते हैं, लेकिन वो राइट्स कैसे होते हैं, वो कानूनन होते हैं, उनको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की या फिर कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, और इसके बाद में वो लोग जो कंपनी, फॉर एग्जांपल मुझे व्हाट्सएप के डेटा निकलवाने हैं तो मैं व्हाट्सएप के अंदर एक लीगल एक डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करता हूँ, एंड देन आफ्टर जो व्हाट्सएप कंपनी है वो उनके सभी डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर देती है, उस एजेंसी को प्रोवाइड कर देती है। यही तो होता है, आपने पिछले कई सारे केसेस के अंदर देखा होगा, ड्रग केस हुआ था या फिर बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं जो एक लेवल के केस होते हैं, उसके अंदर इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है, लेकिन वो ओनली फॉर उस टाइप की एजेंसी को ही मिलता है, और वो भी प्रॉपर एक वे ऑफ प्रोसेस के थ्रू, उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसके बाद में वो सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे आम इंसान के लिए ऐसी कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि उसके फ़ोन के अंदर आप ऐसी कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और वो जो फ़ोन है उसके सिक्योरिटी है उसको डिसेबल करो, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी फ़ोन आते हैं वो सब मोस्ट ऑफली सिक्योर्ड फ़ोन होते हैं, और आईफोन इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट फ़ोन, यानी सिक्योर फ़ोन कहा जाता है, दैट इज़ द आईफोन, और इसके बाद में ये एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं। तो अब एंड्रॉयड फ़ोन भी ऐसा नहीं है कि सिक्योर नहीं होते, वो काफ़ी लेयर होती है उसकी सिक्योरिटी की। अब हम क्या करते हैं उसके अंदर कि एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले
हम उसके अंदर उसके बहुत सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसको डिसेबल करते हैं, और वो डिसेबल करने के बाद में ही उसको सब उस ऐप के लिए सब परमिशंस ऑन करते हैं और फिर ही हम सब चीजें एक्सेस कर पाते हैं। यही रीजन है कि हमें उसका सामने वाले का फोन मिलना चाहिए और इसके बाद में ये सब चीजें होती है। और रही बात कुछ अलग टाइप के हैकर्स की, तो वो हमारे लिए आपके लिए काम नहीं करते, वो हैकर होते हैं और उनके पास में और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आपके सिर्फ गर्लफ्रेंड की चैट निकलवाने के लिए वो नहीं बैठे, वो कोई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो हमारा पांचवा सवाल है वो ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि ऐसी कोई एप्लीकेशन हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल की गई है। तो वैसे तो ऐसे बहुत इजीली पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जज करते रहना पड़ता है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपके डेटा कोई और देख रहा है, तो वो पता तो चलता है ना किसी इंसान, मतलब आपके जब पर्सनल डेटा कहीं और जा रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई आपके पीछे लगा हुआ है, या फिर आपको वो आपको ऐसी कोई बातें बता रहा है जो सिर्फ आपको पता है, तो उसके पास में कहाँ से है। जब ऐसा कोई डाउट आपको होता है कि आपको ऐसा इंटेंशन आ जाते हैं ऐसे कि हाँ कोई ना कुछ तो ऐसा है कि जो हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जब आपको ऐसा लगता है तो अब आपका फ़ोन चेक करें। फ़ोन कैसे चेक करना है आपको कि आपका फ़ोन कहीं हीटिंग तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब जब भी आपके हाथ में होता है तो वो हीट होता है क्या ज़्यादा, क्योंकि हीटिंग होने के पीछे का रीज़न ये कि जो एप्लीकेशन उन्होंने इंस्टॉल की होगी वो एप्लीकेशन 24 आवर चलती रहती है बैकग्राउंड के अंदर, और वो मैक्सिमम इंटरनेट यूज़ करती है, इंटरनेट यूज़ करती है और डेटा को लेके और उनके सर्वर पे अपलोड करती है, उसका काम ये होता है। तो कंटिन्यू फ़ोन वर्क कर रहा है तो उस वजह से फ़ोन हीट होगा। दूसरी चीज़, फ़ोन की जो बैटरी है वो जल्दी से ड्रेन होगी। अगर ऐसा कुछ होता है, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके ये दो सिम्टम्स होते हैं तो किसी ने हैकिंग वाला ही सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। आपके मोबाइल में और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो कि बैकग्राउंड के अंदर वर्क करती हैं और काम करती रहती है बैकग्राउंड में, कुछ अच्छे काम करती रहती हैं और कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी हैं जैसे कि पहले टिकटॉक विकटॉक जो सब बैन हुआ ना, उसके पीछे के रीज़न यही थे कि वो आपकी परमिशन के बगैर आपके जो डेटा हैं वो डेटा उनकी गवर्नमेंट के साथ में शेयर कर रहे थे, इस वजह से उन सबको बैन किया गया। तो वो इनडायरेक्टली वही कर रहे थे, बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, इस वजह से ऐसा हो रहा था, तो उन सब एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो आपके फोन को फॉर्मेट करवा दीजिए। अगर आपने आपके फोन को फॉर्मेट करवा दिया, मतलब कि जितनी भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर थी वो सभी निकल गई, नए सिरे से आप उसको वापस से यूज करना शुरू कर दीजिए, आप सेफ हो जाओगे। बस यही था आज के इस वीडियो के अंदर। मुझे लगता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को उस स्पाई ऐप के बारे में सफिशिएंट रही होगी, और आप सब लोगों के जवाब, आपको आपके जितने भी सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी नहीं मिले हैं, अगर कोई सवाल रह गया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके कि आपका कौन सा सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया हूं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके उन सवाल के जवाब देने की। मुझे लगता है आपको आज का ये जो हमारा वीडियो है वो पसंद आया होगा। इसी तरह से आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर इसी तरह की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, नई बातें, नई टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।